हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। यहाँ पर छत्तीसगढ़ जनजाति निवासी स्थान से आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, रायपुर, जबलपुर, भिलाई, कोरबा, निमोरा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध है? ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है 24, 30, 36 और 42। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, कंवर, गोंड, हलवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? ऑप्शन देख सकते हैं, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कबीरधाम। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देख सकते, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन देख सकते हैं, पंडो, उरांव, भुंजिया, नगेसिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? ऑप्शन देख सकते हैं, ए, जोलो, बी, गोंड, तीसरा, बैगा, चौथा है कोरबा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? ऑप्शन देखिए, भोटिया, गोंड, मारिया और बनिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद, दुर्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, गरियाबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पिछड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन देख सकते हैं, गोंड, अबुझमाड़िया, हलवा, बिंझवार। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अबुझमाड़िया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।